कोविड संक्रमण में पुलिस के जवान बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कोई जवान अगर संक्रमित हो जाए तो उसके लिए पुलिस लाइन में कोविड हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। ऐसे में हम आईजी सर से जानना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं, सर क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। बात हॉस्पिटल की नहीं है, मुख्य बात यह है कि हम पुलिस लाइन में एक आइसोलेशन सिस्टम, इन्फेक्शन यहाँ ना पहुँचे, यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल हो, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी ऑक्सीजन नापी जा रही है, SpO2 लेवल देखा जा रहा है, और साथ ही साथ में जो कि यहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर्स थे, तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन बनती है जिसको प्राथमिक लक्षण की हैं और आवश्यकता है तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल यहाँ के SSP और यहाँ के CO लाइन जो कि ASP हैं, इनके द्वारा मिलकर के कराया गया है। और ये निश्चित तौर पर एक सपोर्टिव कदम है, महत्वपूर्ण कदम है, और ये बेसिकली उस उद्देश्य में सफल होगा जब हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे, हमारे पूरी पुलिसकर्मी स्वस्थ रहेंगे, तो हम समाज की बेहतर सेवा करने की दिशा में जो एक पुनीत कर्तव्य हमारे ऊपर है उसे हम पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। सर जोन में अन्य जिलों में भी क्या इस तरह की सभी जगहों पर व्यवस्थाएं कराई गई हैं और लगातार इस पर उत्तरोत्तर इस पर विकास हो रहा है और इस पर अपडेशन की कार्रवाई की। मेरठ जनपद में ये अच्छी पहल की गई है ताकि संक्रमण के बीच आम जनमानस को जागरूक करते हुए संक्रमण से बचाने के लिए जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं अगर वो संक्रमित हो जाएं तो उनको भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, इसीलिए पुलिस लाइन में यह कोविड सेंटर बनाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट किशन सुधर के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज़ मेरठ।